मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में शियन यांग को नेकलेस पहनाता है। यांग ये नेकलेस देखकर कहने लगती है कि ये नेकलेस बहुत प्यारा है। तो शियन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि इस हैंडसम डिलीवरी बॉय की तारीफ होनी चाहिए। ये सुनकर यांग साइड पर खड़ी हो जाती है। तो शियन कहता है कि तुम क्या कर रही हो। यांग कहती है कि तुम काफी ब्राइट हो, कहीं मैं अंधी ना हो जाऊं। ये सुनकर शियन हंसने लगता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो शियन कहता है कि क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आओगी। तो यांग कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने भी आई थी और मुझे यहाँ पर मीटिंग अटेंड करनी थी। ये सुनकर शियन हंसने लगकर कहता है कि क्यों ना हम लोग आज साथ में डिनर करें। तो यांग कहती है कि मैं आज ओवरटाइम काम करने वाली हूँ, तो तुम मेरा इंतजार मत करना। शियन कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए बहुत बिजी हूँ। ये कहकर शियन यहाँ से चला जाता है। अब यांग जब मीटिंग से बाहर आती है तो उसको मालूम होता है कि यू ने शियन की कंपनी छोड़ दी है। ये देखते ही यांग जल्दी से फांग को कॉल करती है। यांग फांग से इस बार में पूछती है तो फैंग कहता है कि शिंग नीना और यू का लाइव स्ट्रीम के दौरान एक खराब प्रोडक्ट की वजह से बहस हो गई थी, जिसकी वजह से शियन ने ये फैसला किया कि वो यू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है। यांग कहती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद शियन मुझसे ऐसे मिलकर गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फांग कहता है कि तुम तो शियन को जानती हो। अब यांग शियन को कॉल करके कहती है कि हम दोनों डिनर करने के लिए चलते हैं। अब यांग शियन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आ जाती है। शियन से कहती है कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बता सकते हो। शियन कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, इस रेस्टोरेंट की एक नई डिश है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें इनका रिब चिकन पॉट पसंद है। मैं इन दोनों में से एक डिश सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं दोनों भी ऑर्डर नहीं कर सकता क्योंकि हम इतना सारा खाना नहीं खा पाएंगे। यांग कहती है कि तो तुम इसको एक बड़ा मसला कह रहे हो। शियन कहता है कि हाँ, मेरे लिए तो एक मसला है। यांग कहती है कि फिर मैं तुम्हारा ये मसला हल कर देती हूँ। इस बार हम रिब चिकन पॉट खाएंगे और अगली बार हम दोनों यहाँ की स्पाइसी फिश खाने के लिए आ जाएंगे। शियन कहते है कि ठीक है। यांग कहती है कि मैंने तुम्हारे और यू के बारे में न्यूज देखी है। शियन कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी। यांग पूछते है कि क्या तुम्हें इसकी वजह से ज्यादा मुश्किल होने वाली है। शियन कहता है कि मुश्किल तो होगी लेकिन मसला इतना क्रिटिकल नहीं है। यांग कहती है कि फिर सही है। शियन कहता है कि तुम अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो। तुम्हारे कलीग्स तुम्हारे साथ लंच पर नहीं गई, या फिर तुम्हें तुम्हारा ऑफिस ना मिलने पर तुम अपसेट हो, या फिर तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें डरा रहा है। यांग कहती है कि डायरेक्टर मुझे सिर्फ ये बताना चाहता है कि इस डिवीजन का इंचार्ज वो है, मैं नहीं, और जहाँ तक बात रही ऑफिस की तो वो अब तक तैयार हो गया होगा। शियन कहते हैं कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। अब ये दोनों जब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो शियन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कम्युनिटी छोड़ने के लिए जाऊंगा, उसके बाद फैंग मुझे वहाँ से आकर पिक कर लेगा। यांग कहती है कि दिन के वक्त फैंग तुम्हारा पार्टनर होता है, रात में वो लेयर हाउस का ऑनर बन जाता है। यांग इससे कहती है कि तुम मुझे फैंग की कोई फोटो दिखाओ। तो शियन कहता है कि मेरे पास उसकी फोटो नहीं है, पर वैसे भी तुम चियांग के बहुत क्लोज हो। फैंग को उससे बहुत डर लगता है, अगर चियांग गुस्सा हो गई तो फैंग को जमीन पर सोना पड़ेगा। यांग कहती है कि तुम गलत कह रहे हो, चियांग उसको जमीन पर नहीं सुलाएगी बल्कि फांग को अपने बेटे के साथ सोना पड़ेगा। शियन कहता है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। ऐसे लगता है कि कुछ टाइम पहले ही फांग का बेटा पैदा हुआ था लेकिन अब वो 6 साल का हो गया है। यांग कहते है कि हाँ, वाकई में वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। शियन कहता है कि हम दोनों भी तो एक दूसरे को 13 सालों से जानते हैं। अब ये दोनों सब वापस आते हैं तो फांग पहले ही शियन का यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। शियन यांग से पूछता है कि वीकेंड पर तुम्हारा क्या प्लान है। यांग कहती है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है। ये सुनते ही शियन और फांग हंसने लगते हैं। यांग कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें फोर्स नहीं करती, ये तुम्हारा लक है। तो शियन कहते है कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरी मॉम भी हर वक्त मुझे फोर्स करती रहती है शादी करने के लिए। फांग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को इस पर मिलकर काम करना चाहिए। मेरी वाइफ आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नॉवेल्स पढ़ रही है। मैनलेट्स अपनी मॉम की खातिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं। यांग और शियन एक साथ कहते हैं कि तुम मजाक मत करो। अब शियन जब कार में बैठ जाता है तो ये यांग को इसके ब्लाइंड डेट के लिए गुड लक कहता है और ये कहने के बाद ये यांग को चढ़ाने के लिए उल्टी शक्ने बनाने लगता है। यांग ये देखकर हंसने लगते कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती। फांग कहता है कि अब तुम बस करो। फांग यांग से कहता है कि ना बाजू पीछे कर लो वरना विंडो में आ जाएगा। ये कहकर फांग शियन को यहाँ से लेकर चला जाता है। रस्ते में फांग शियन से कहते है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यांग को डेट कर लेना चाहिए। शियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। फांग कहता है कि मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। शियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फांग कहता है कि यांग का जो फर्स्ट लव था वो भी तो उसका दोस्त था। यांग कहता है कि उनकी दोस्ती हमारी दोस्ती जैसी नहीं थी। शियन कहता है कि मैं अपने दोस्त को भला कैसे डेट कर सकता हूँ। फांग कहता है कि मैं तो वैसे ही कह रहा था, तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। शियन कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि अगर मेरी यांग को लेकर नियत खराब है तो हम दोनों का कार एक्सीडेंट हो जाए। फांग कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये तुम किस तरह की बात
बातें कर रहे हो। इतने में इनकी टक्कर एक बाइक से हो जाती है। ये सब देखकर शेन खुद भी हैरान होता है, कहता है कि क्या ये किसी किस्म का कर्ज है। पांग कहता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था, अब तुमने अंजाम देख लिया है ना। शेन जब वापस घर आ रहा होता है तो उसको कचरे के डब्बे से एक फ्लावर पॉट मिलता है। शेन उसको उठाकर घर ले आता है। मॉम शेन को देखकर कहने लगती है कि ऊपर जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही शोर करते हैं। शेन कहता है कि पुरानी बिल्डिंग्स की साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप मूव कर जाए, लेकिन आप मेरी बात मानती ही नहीं है। मॉम कहती है कि मैं तो मूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने साथ ये पेड़ पौधे नहीं लेकर जा सकती। मॉम अब शेन से कहती है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम डिनर के लिए यांग को घर पर ले आओ, बाहर खाने और घर पर खाने में बहुत फर्क होता है। शेन कहता है कि आपको कैसे मालूम कि मैं यांग के साथ डिनर पर गया था। मॉम कहती है कि पहले तुम सिर्फ पांग के साथ हैंग आउट करते थे, अब चूंकि यांग वापिस आ गई है तो ये जाहिर सी बात है कि तुम उसके साथ हैंग आउट करोगे। आज शेन की कंपनी ने शंगीना के साथ एक लाइव स्ट्रीम अरेंज करवाई होती है, सब लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। शेन का असिस्टेंट इसे कहता है कि तुम्हारा कफलिंग कहाँ पर गया। शेन भी के देख कर हैरान हो रहा होता है कि आखिर ये कहाँ चला गया। पांग कहता है कि गाड़ी में तो कफलिंग लगा हुआ था। अब ये दोनों इस कफलिंग को यहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं। शंगीना अपना एक इयररिंग शेन को उतार कर देती है, कहती है कि हो सकता है कि इससे तुम्हारी मदद हो जाए। शेन उसको कफलिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। शंगीना इससे पूछती है कि क्या इससे तुम्हारी मदद हुई, तो शेन कहता है कि हाँ ये परफेक्ट है। शेन ये अनाउंस करता है कि अब से शंगीना इनके साथ काम करने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों अपने साइनिंग डॉक्यूमेंट भी दिखाते हैं। शंगीना जब यहाँ से जा रही होती है तो टेबल की वजह से गिरने वाली होती है, लेकिन शेन शंगीना की मदद करता है। इन सभी फोटोग्राफर्स ने इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया होता है जब ये दोनों यहाँ से जाते हैं। तो एक फोटोग्राफर ये बात कर रही होती है कि शेन का कफलिंक शंगीना के नेकलेस से मिलता है। ये फोटोग्राफर कहने लगती है कि शायद ये सबको ये बताना चाह रहे हैं कि ये कपल है। ये खबर वायरल भी हो चुकी होती है। रात में यांग इसी खबर पर लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती है। शेन कहता है कि तुम्हें ये कमेंट्स और पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बात की यकीन करो, मैं उसे डेट नहीं कर रहा हूँ। यांग कहते है कि अगर तुम उसको डेट भी कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा मैच हो। यांग कहने लगते लेकिन ये तो गलत है, अपनी मॉम्स का प्रेशर हम दोनों को मिलकर बर्दाश्त करना था, अगर तुम इतनी जल्दी किसी को ढूंढ लोगे तो सारा प्रेशर तो मुझ पर आ जाएगा। शेन कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम अब ये टॉपिक नहीं छोड़ने वाली। यांग कहते है कि मैं सबसे वापिस आई हूँ, मेरी मॉम मुझे दिन में 3 बार कॉल करती है। मैंने अपनी मॉम से कहा कि मैं थक गई हूँ तो मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि अकेले चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। शेन कहता है कि तुम्हारी मॉम को इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। यांग कहती है कि तुम्हारे होने का क्या फायदा है, हम दोनों साथ में सिर्फ कोई गेम देख सकते हैं। शेन कहता है कि मैं तुम्हें शेयर कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ। यांग कहती है कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, अपने इशू की वजह से मैं तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर खराब नहीं कर सकती। यांग कहती है कि अगर तुम्हें कभी कोई पसंद आए तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। शेन कहता है कि तुम कोई अच्छी बात क्यों नहीं करती। ये सुनकर यांग इसका कान पकड़ लेते हैं, कहती है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। शेन साथ ही से माफी मांगने लगता है, कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। यांग कहती है कि अब मैंने इतना भी जोर से तुम्हारा कान नहीं खींचा, तो शेन कहता है कि ये सब कुछ मैंने तुमसे ही तो सीखा है। अब यांग जब ये हॉटपॉट ट्राई करती है तो ये शेन से कहती है कि ये हॉटपॉट खाकर तो मुझे हमारे पुराने टाउन वाला हॉटपॉट याद आ रहा है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि वो शॉप बंद हो गई है। शेन कहता है कि वो शॉप बंद नहीं हुई, बल्कि वो शॉप कहीं और मूव हो गई है। यांग कहती है कि फिर किसी दिन हम वो हॉटपॉट खाने के लिए चलेंगे। अब शंगीना सोने से पहले एक लाइव स्ट्रीम ऑन कर देती है जिसके नीचे रोवर लिखा आ रहा होता है, और इस लाइव स्ट्रीम के पीछे शेन का फ्रेंड शंग होता है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो शंगीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये शंग से पूछते हैं कि क्या तुमने शंगीना की रिसेंट फोटोज देखी हैं? तो शंग कहता है कि तुम लोगों को पहले पिछले हफ्ते का काम खत्म कर लेना चाहिए। आज ऑफिस में यांग को शेन की कॉल आती है। शेन से पूछता है कि तुम काम से कब फ्री होगी, मॉम ने तुम्हारे लिए अनार भेजे हैं। यांग कहती है कि काम से तो मैं 6 बजे फ्री हो जाऊंगी, लेकिन मुझे पुराने टाउन में साइट विजिट करने के लिए जाना है, क्यों ना हम लोग आज हॉटपॉट वाली शॉप पर ही मिले। शेन कहता है कि अगर तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो गया और तुम्हारा टाउन में घूमने का दिल करे तो हमारी कंपनी का फ्रंटमैन बहुत ही हैंडसम है, वो तुम्हें विजिट करवा सकता है। यांग कहती है कि वो लड़का तुम तो नहीं हो सकते। शेन कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना विश्रम दिखाई देता हूँ, वाकई में बहुत टैलेंटेड और हैंडसम है। यांग हैरान होते हुए कहती है कि क्या वो वाकई में हैंडसम है, तो शेन कहता है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। यांग कहती है कि मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, लेकिन पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। ये कहकर यांग कॉल बंद कर देती है। अब शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मीडिया यूनिट से जो लड़का है उसका नाम क्या है, मेरे पास उसके लिए काम है। इसके साथ ही शेन को शंगीना के मैनेजर की कॉल आ जाती है, जो कि उसको बताती है कि एक जरूरी काम की वजह से हम दोपहर की मीटिंग के लिए नहीं आ सकेंगे। शेन ये सुनकर खुश होता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है और कहता है कि कोई बात नहीं। अब शेन
यंग से मिलने के लिए आ जाता है। यंग इसको देखते हुए कहती है कि तो तुम यंग और टैलेंटेड हो। शेन कहता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। यंग कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि वो लड़का बहुत हैंडसम है। तो शेन कहता है कि मैंने जो भी बातें तुम्हें बताई थी वो मुझे डिस्क्राइब करती है। यंग इस बात पर इसका मजाक उड़ाए जा रही होती है। यंग कहती है कि तो वही बुक स्टोर है ना जहाँ पर हम आया करते थे। शेन कहता है कि हाँ, ये दोनों इस बुक स्टोर में आ जाते हैं। यंग कहती है कि पहले से बहुत बदल गया है। शेन कहता है कि क्या तुम्हें कॉर्नर याद है, यहाँ पर हमने बहुत वक्त गुजारा है। यंग कहती है कि हाँ, और एक दफा हम दोनों की बहस हो गई थी जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। शेन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़कर भला क्यों जाऊंगा। तो यंग कहती है कि ऐसा ही हुआ था। अब पुराना टाइम दिखाया जाता है। शेन और यंग बहस करने की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। फैंग कहता है कि तुम्हें यंग से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन शेन फैंग की बात को इग्नोर कर देता है। फैंग यंग से कहता है कि तुम इससे बात कर लो, लेकिन यंग भी इसकी बात को इग्नोर कर देती है। ये दोनों एक दूसरे को इशारों से बता रहे होते हैं कि मैं नाराज हूँ। कुछ देर बाद शेन यहाँ से चला जाता है, तो फैंग कहता है कि मैं इसको वापस लेकर आता हूँ। इतने में ही यंग के लिए यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने लगती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है, तो तुम जल्दी से अपने भाई के पास आ जाओ। ये अनाउंसमेंट सुनकर यंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शेन कहता है कि क्या आप दोबारा अनाउंस कर सकते हैं। लेडी कहती है कि वो इस बुक स्टोर में नहीं घूमेंगी। और तुम्हारा नाम इतना अजीब क्यों है, किसी के नाम में भी डैड नहीं आता। शेन कहता है कि शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये नाम होता है। इतने में ही यंग आकर इसका कान पकड़ लेती है और इससे कहती है कि तुम उसे क्या अपना नाम बता सकते हो। तो शेन डैडी कहता है। ये सुनकर यंग हंसने लगती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।